सपा विधायक अबू आसिम आजमी के एक और बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अबू आजमी को बीती रात औरंगजेब का समर्थन करने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई थी, तो वहीं आज अबू आसिम आजमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक छोटे से जिले का नाम बदलने से क्या होगा, औरंगाबाद का संभाजी नगर करने से क्या होगा, महाराष्ट्र का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दीजिए, एक छोटे से जिले का नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मैं बोलता हूं तो विवाद खड़ा होता है, मुझे धमकी दी जाती है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो कुछ कट्टरपंथी को ये पसंद नहीं आती, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो, इसीलिए मुझे धमकी दी जा रही है। मुझे धमकी दी गई क्योंकि मैंने उनकी कुछ बातों का विरोध किया। मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा कि देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच सुलह होनी चाहिए। पुलिस ने पहले मुझे धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था और कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे जो बयान है उसके वजह से मुझे धमकी दी जा रही है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने मेरी सुरक्षा भी कम कर दी है। और अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि तीन जिलों के नाम बदलने की तैयारी चल रही है। राज्य में तीन जिले हैं, इन तीनों जिलों के नाम मुस्लिम नामों पर रखा गया है। वे तीनों जिले हैं अहमदनगर, औरंगाबाद और उस्मानाबाद, लेकिन इन जिल नाम को बदलने की तैयारी हो रही है और ऐसे कुछ नहीं होगा। बदलना है तो महाराष्ट्र का नाम बदल दो और संभाजी नगर कर दो।